अब माइनस नाइन प्लस नाइन कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से क्या यहां पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर और प्लस 6d माइनस 3d, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। यहाँ पे यही तो होगा, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, और इसके कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, हम यहीं पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका जाएगा e टू द पावर 3x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या था आपका माइनस 3d प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3d प्लस 2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, ये था 3d प्लस 2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 3d-1 अपॉन 3d-1 और इंटू साइन 2x। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इसके सर थ्री डी कॉन्जुगेट माइनस टू 3d प्लस रहेगा। 2 है। अब यहां पे आइए, फिर इसमें देखिए क्या है कि अब यहाँ पे ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसके लिए अब इससे कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व, तो 2 को ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d/2 की पावर एक्स, ये एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d-2 और यहाँ पे हो जाएगा 9 डी स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा साइन 2x। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर टर्म चला जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर 3x/2 और ये पूरा टर्म ऊपर गया, तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d/2 का होल इनवर्स इनटू x। यहाँ पे देखिए लिखेंगे पुट अगेन पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू दी -4, तो ये हो जाएगा आपका 3d, ये हो जाएगा 3d-2 साइन 2x अपॉन, ये हो जाएगा आपका माइनस 9 4 36 -4। इसमें देखिए x की जितनी पावर है उतने टर्म तक एक्सपेंड करेंगे, तो e की पावर x/2 ये हो जाएगा /2 और ये इनटू x, इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/40, ये हो जाएगा 3d sin 2x-2 sin 2x। यहां पे देखिए x को ले लेंगे अंदर, तो e की पावर 3x/2 ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस 1/40 और ये हो जाएगा 3 3 into 2 cos 2x और -2 sin 2x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर 3x/2 ये हो जाएगा x माइनस 3/2 और ये हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 3 cos 2x-sin 2x। अब यहां पे लिखेंगे देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू दी cf प्लस pi, यानी y इज c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x/2 x माइनस 3/2 और प्लस 1/20
थ्री कॉस टू एक्स माइनस साइन सर। अब देखिए और कहीं कोई हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पहले हम शुरुआत से दिखाते हैं, आप एक एक स्टेप कॉन्सेंट्रेशन से देखिए समझिए। हमने सबसे पहले काम क्या किया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने इसको कैपिटल डी में कन्वर्ट किया, इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी और ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट निकाल दिया वन और टू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया है, फिर हमने पी आई हमको निकालना है, तो ये जो ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ डी है इसी को लिखते हैं पी आई। एक्सपोनेंशियल इनटू अलजेब्रिक, इसका मतलब इसमें फोर्थ मेथड अप्लाई होगा, और ये अगर यहाँ पे एक्स नहीं होता तो इसमें फर्स्ट मेथड अप्लाई हो जाता, लेकिन एक्स होने की वजह से प्रोडक्ट में ये फोर्थ मेथड और यहाँ पे सेकंड मेथड, इसलिए हमने इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के साथ में एक्स मल्टीप्लाई है, इसलिए एक्सपोनेंशियल के साथ में कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो उसमें फोर्थ मेथड ही अप्लाई होगा, तो हमने एक्सपोनेंशियल को बाहर किया और एक्सपोनेंशियल में जो एक्स का कोफिशियंट है ए, ए के प्लेस पे है थ्री, तो जहां जहां डी है वहां वहां डी प्लस थ्री रख दिया है और इनटू एक्स। इसमें काम किया गया क्योंकि ये सेकंड मेथड है तो डी स्क्वायर के फोर, इसको ओपन किया है, नाइन और माइनस नाइन कैंसिल हो गया, आएगा क्या डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू, यहाँ पे माइनस टू माइनस थ्री डी आया तो माइनस कॉमन ले लिया तो थ्री डी प्लस टू। अब इसके बाद काम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है और यहाँ पे कुछ नहीं किया है, वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अलजेब्रिक है तो टू को कॉमन ले लिया है। अब इसी को पहले समझाते हैं, इस पूरे टर्म को ऊपर ले गए तो होल इनवर्स हो गया है, एक्स की जितनी पावर होगी उतने टर्म तक एक्सपेंड किया है, एक्स को अंदर लिया है तो डी टू एक्स हो जाएगा जीरो और ये वन हो जाएगा यानी थ्री और ये आ गया है। इसमें काम क्या किया है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो नाइन डी स्क्वायर माइनस फोर, अगेन फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर, तो ये हो गया माइनस थर्टी सिक्स माइनस फोर और ये आपको अंदर ले लिया है साइन टू एक्स, तो ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस वन अपॉन फिफ्टी फोर्टी और साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है टू कॉस टू एक्स, तो टू कॉस टू एक्स, टू कॉमन होके कैंसिल हो गया है तो ये पी आई आ गया है, फिर लिखा है देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई और ये लिख दिया है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, मेन आप इसमें फोर्थ मेथड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसलिए हमने इसको पहले करा दिया है। फोर्थ मेथड में बस इतना ही है, एक्सपोनेंशियल के साथ में कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंशियल को बाहर कर लेंगे, जहां जहां डी है वहां डी प्लस ए कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में या तो अंदर अलजेब्रिक होगा या ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा, तो अगर अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक का मेथड अप्लाई करेंगे यानी थर्ड मेथड, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे, इसी को हम फोर्थ मेथड कहते हैं। इसको समझिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर हम आगे बताएं आपको। सर अब फिजिक्स की क्लास होने वाली है। हाँ बेटा, सर अब फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्लास अभी का, अभी तो 8 मिनट हैं, मेरी घड़ी में 10:53 मिनट हुए हैं, 54।
अरे सर 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, 11:15 पे क्लास। हाँ सर 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, 11:15 पे हाँ तो क्लास आप जा सकते हैं, बाकी हम लोगों को बता रहे हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, और आपको अगर सेकेंड और थर्ड मेथड आपको मालूम है तो फोर्थ मेथड में कुछ नहीं है। अगर आपको सेकेंड और थर्ड मेथड आपको पता हो गए हैं तो फोर्थ मेथड में कुछ भी नहीं है। एक आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं घर के लिए, आप इसको प्रैक्टिस में करिएगा, होमवर्क के लिए दे रहे हैं घर पे, और इसका आंसर भी लिखे दे रहे हैं और इसको हम उस पर देंगे, ये होमवर्क में है, और इसको कर जरूर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर नहीं लगेगा तो कल हम आपको बता देंगे, -2dy/dx और +2y इज इक्वल टू दी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, इसका आंसर जो है, इसका आंसर आता है y is equal to the other as c2 sin x plus 1 upon 2 x plus 1 plus x e to the power x upon 2 sin x। ये अभी आपको ये पेज हम करेंगे व्हाट्सएप, आप इसको करिएगा, ठीक है बेटा? अगर नहीं आएगा तो आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही सबक, ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। और सुभान इसको भेज दीजिएगा बेटा लिंक। यस सर भेज देंगे। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर।